वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप कड़वे सच को बर्दाश्त नहीं कर सकते तो अभी इस वीडियो को छोड़ के जा सकते हैं। और अगर आप सच्चे देशभक्त हैं और एक जिम्मेदार नागरिक हैं जो इस देश की तरक्की में भागीदार बनना चाहते हैं और अपनी गलतियों से सीखते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। हमारा ये वीडियो मोनेटाइज नहीं है, तो आप इसे जितना शेयर कर सकते हैं उतना शेयर करें। क्या पता आपके एक शेयर से कोई भूला भटका सही रास्ते पर आ जाए। दोस्तों, इंसान की आदत होती है अपनी चीज़ों को संभाल के रखने की और जहाँ चीज़ मुफ्त में मिल रही हो उसे झट से अपना बना लेने की। पर हम इंडियंस की एक और बुरी आदत है, जो सुविधा हमें कुछ टाइम के लिए मिली हो उसका पूरी तरह फ़ायदा उठाते हैं और ज़रूरत से ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं। जहाँ पूरी दुनिया में लोग होटल रूम से शैम्पू, ऑयल्स और सोप जैसी चीज़ें चुरा लाते हैं, वहीं हम लोग ट्रेन में लगे टॉयलेट मग्स तक को नहीं छोड़ते। अब आप कहेंगे कि ये काम वो लोग करते हैं जो गरीब हैं या कम पढ़े लिखे हैं, तो उसके जवाब में मैं जो अब आपको बताने जा रहा हूँ वो ध्यान से सुनना। कुछ ही दिनों पहले इंडियन रेलवेज ने एक रिपोर्ट में बताया कि 2017-18 के फाइनेंशियल ईयर्स में ट्रेन के एसी कोचेस से लाखों तौलिए, चद्दर और कंबल चोरी हो गए। अगर नंबर्स की बात करें तो एसी कोचों से 22 लाख बेड आइटम्स गायब हो गए, जिनमें 12,83,000 तौलिए, 4,71,000 चद्दरें, 3,14,000 तकियों के कवर, 56,000 तकिए और 46,000 कंबल गायब हो गए। सीरियसली गाइस, तकियों के कवर? एसी कोचेस में ट्रेवल करने वालों के पास क्या इतने भी पैसे नहीं हैं कि वो तकियों के कवर खरीद सके? पर क्योंकि हमें कोई टोकने वाला नहीं है तो ले चलो, क्या दिक्कत है। अगर जोन्स की बात करें तो साउथ जोन में सबसे ज़्यादा चोरियाँ हुई है। ये तो और भी शर्मनाक बात है, क्योंकि साउथ इंडियंस हमेशा अपने आप को नॉर्थ इंडियंस से ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड, पढ़ा लिखा और ज़िम्मेदार नागरिक मानते हैं, जो कि काफ़ी हद तक सही भी है। पर फिर ऐसी रिपोर्ट्स आती है तो बहुत बुरा लगता है। ये तो चलो फिर भी बड़ी चीज़ें हैं, यहाँ तक कि टॉयलेट मग्स, फ्लश पाइप्स और मिरर भी लोग चुरा के ले जाते हैं, जिसकी तो रेलवे ने गिनती भी नहीं की है। मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग 300 से 400 किलोमीटर की जर्नी के थर्ड एसी का किराया होता है ऑलमोस्ट 400 से 500 रुपए, और ये अपर क्लास के अकॉर्डिंग 4 से 5000 तक आराम से हो सकता है। मान लीजिए आप रेस्टोरेंट में गए खाना खाने, तो अब ऑब्वियस सी बात है कि वो खाना आपको प्लेट्स में ही परोसा जाएगा, तो आप खाना खाने के बाद वो प्लेट्स घर थोड़ी ना लेके आते हैं। ठीक वैसे ही आप इतने रुपए देकर रेलवे की सर्विसेज ले रहे हैं। ये चद्दर कंबल तक के तौली नहीं खरीद रहे, तो एक जिम्मेदार नागरिक की तरह आपका फर्ज बनता है कि आपको जो कॉम्प्लीमेंट्री बेनिफिट्स मिले हैं उन्हें आप यूज़ करें और काम पूरा होने के बाद वापस लौटा दें, ना कि उन्हें अपनी प्रॉपर्टी समझकर घर ले जाएं। अब जापान को ही ले लो, वहाँ का एक किस्सा पूरी दुनिया में काफ़ी फेमस है। वो ये कि अगर आप अपनी कोई चीज़ सड़क पर भूल जाते हैं तो काफ़ी अच्छे चांसेस हैं कि वो चीज़ आपको वहीं मिलेगी या फिर आसपास के पुलिस स्टेशन में। ये जापान की इमेज है जो वहाँ के लोगों की वजह से बनी है, भले ही वहाँ की हकीकत कुछ और हो। एक देश के नागरिक ही उस देश की इमेज बनाते हैं और बिगाड़ते हैं। ऐसी रिपोर्ट्स जब रिलीज़ होती है तो वह पूरी दुनिया में बहुत जल्दी फैल जाती है, और ऐसी बातों को उन देशों में इतना फैलाया जाता है कि वहाँ के नागरिकों के मन में एक इमेज बन जाती है कि हाँ, ये देश तो है ही ऐसा, इस देश के लोग तो हैं ही ऐसे। ऐसा ही कुछ पिछले साल तेजस एक्सप्रेस के साथ हुआ था, जब लोगों ने ट्रेन के LCD स्क्रीन उखाड़ के ले जाने की कोशिश की थी, हेडफोन्स चुरा ले गए थे। एक तरफ पूरी दुनिया इंडिया का मजाक बनाती है कि यहाँ ट्रेनों में टॉयलेट मग्स भी चेन से बांधे जाते हैं, अब उन्हें कौन समझाए कि ये रेलवे की मजबूरी है ऐसा करना। एक तरफ तो हम शिकायत करते हैं कि हमारी सरकार हमें कोई सुविधा नहीं देती है, दूसरे देशों से कंपेयर करते हैं कि उन देशों में देखो कितनी बढ़िया सुविधा है और हमारे यहाँ कैसी है, और जब वो सरकार वो सुविधाएं दे देती है तो हम उनकी कद्र नहीं करते, हम उनका बहुत बुरी तरह से यूज़ करते हैं, हम उन्हें नुकसान पहुँचाते हैं। एक तरफ तो इंडियन रेलवेज पूरी कोशिश कर रहा है इंडियन रेलवेज को यूरोपियन स्टैंडर्ड तक ले जाने की, हमारे देश में बुलेट ट्रेन आने वाली है, और वहीं दूसरी तरफ हम लोग ऐसे काम करते हैं। अब इन्हीं चीज़ों से परेशान होकर रेलवे ने फैसला लिया है कि पैसेंजर्स को महंगे टॉवल्स की जगह सस्ते यूज एंड थ्रो वाले नैपकिन दिए जाएंगे। दोस्तों, अगर आप भी ऐसा ही कुछ करते हो या कर चुके हो तो प्लीज़ ऐसा मत किया कीजिए, मैं आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ। और अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो ऐसा करता है तो प्लीज़ उसे भी समझाइए कि ऐसा ना किया करे। अगर मैं इस वीडियो से किसी एक आदमी के भी दिल और दिमाग तक ये बात पहुँचा सकता हूँ और उसकी ये आदत बदल सकता हूँ, तो मैं ये मानता हूँ कि मैंने इस देश का जिम्मेदार नागरिक होने का फ़र्ज़ निभाया है और मैं आगे भी ऐसा करता रहूँगा। तो दोस्तों, फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। मेरी कही हुई कोई भी बात अगर आपको बुरी लगी हो तो प्लीज़ छोटा भाई समझ के माफ़ कर दीजिएगा, और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।